In the shadow of the world's tallest peaks, a solitary cat stalks its prey. कुदरत ने जिस चीज को जिस माहौल में पैदा किया है, अपने जिस्म के हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। स्नो लेपर्ड्स की तुम तकरीबन 1 मीटर से टूट कुछ ज्यादा है। ये अपनी बैलेंस उस पर बराबर करते हैं और बहुत ऊंचे से जब नीचे की तरफ आते हैं, वो आप पंखा की तरफ अपने दुम को घुमाते हुए नीचे बर्फ तक जम मारा। उसकी नाखून तकरीबन 2.5 इंच के करीब है और वो उस वक्त इस्तेमाल करते जब वो शिकार के लिए हो। शिकार देखो 6-6 घंटे 11-11 घंटे इंतजार करते हैं। जब भी जानवर उसको सामने आ जाए, वो रेवर्ड के बीज में फिक्स जानवर को टारगेट करते हैं। वो जानवर को वो उसको गिराते हैं। द चार्ज वॉज नॉट सक्सेसफुल। Hunting alone on sheer cliffs is never easy against the nimble ibex. It's a challenge appreciated by Hossein Ali Khan because he's once hunted them as well. मैं और मेरे चाचा तो खुश भाई शिकारी है, बेहतरीन शिकारी। मैंने भी कोई 69 के करीब आइबेक्सेस मारा है। But a chance encounter with one loving family turned Hossein Ali Khan's life around. मुझे पहले तो नफरत था क्योंकि मेरे शुरू के हिस्से में मेरे वालिद ने जो मुझे याक्स दिया था, उस याक्स को उसने मारा। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब हम इस एरिया में चलता रहा, फिरता रहा, जब उनके बच्चों को मैंने देखा अपने आंखों से, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, दूरबीन से देखा, वो भी अच्छा दूरबीन नहीं था, अपने माँ के साथ वो इतने प्यार से खेलते थे, कल्याबाजी करते थे, तुम गले में डालते थे, फिर वो माँ उसको पंजे मारते, फिर वो दूर जाते, फिर उसके अपने माँ के ऊपर जंप मारते, तो उसके बाद फिर मुझे ये उसके साथ मोहब्बत हो गई। उसके लिए बहुत सारे मुश्किलात। शिकार के लिए दूर जाते हैं, लोमड़ी या गोल्डन ईगल या खुद वो निकल के भूखे खतरनाक जगह में से गिर जाते हैं। जब आते हैं तो 2 बच्चे नहीं है या 1 बच्चा नहीं है। इतने ऊंचाई से 11-12 मरतबा वो अटैक करते हैं, या खुद मर जाते हैं या एक शिकार करते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं 1.5 साल का, फिर वो माँ जो हरकतें करते हैं वो भी वही हरकतें करते हैं, वो भी उसके साथ वो शिकार में शामिल हो जाते हैं। लोगों में अवेयरनेस के लिए मैंने जो कुर्बानी दिया,
मेरे ख्याल में ये स्टेडियम पूरा अपने उम्र में किसी ने नहीं दिया। आई स्पेंट ऑल माई लाइफ विद वाइल्ड लाइफ। 22 साल में वॉलंटियर लीडर। हमने अपने बच्चों के टाइम को भी जंगली जानवर पर सर्फ किया, उनको बचाने के लिए सर्फ किया। But one man's passion is another man's poison. एक आदमी का जरिया ये माल है, तो चिता कर उस माल को खाए तो उस बंदा को क्या करना चाहिए? We first met Mir Zaman in 2016, shortly after a single snow leopard killed over 80 of his flock above Gilgit, Pakistan. अब ये जिंदा है, देखो जख्मी पड़ा है ये सामने, देखो। ये बस जख्मी है, ये भी नहीं बचेगा। शास्त्र तो नहीं कहता ना, वो जब मारे ना वो उसकी गर्दन में पकड़ते हैं। चिता करे जो बदमाश करूंगा मैं करूंगा, ये साफ सुथरा मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई वो नहीं है। मेरा उम्र जनाब 60 साल हुआ है, मैं जनाब अपने बच्चों के लिए चेहरा दूसरे काम को छोड़ के जनाब इस माल को मैंने संभाला है, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने रोज़गार को इसको। अब ये मेरा रोज़गार रोज़ाना अगर ऐसा ख़राब हो जाए तो क्या मैं स्नो लेपर्ड को क्या गले पर लगाऊँ? इसमें इंसान को जनाब बहुत दुख होता है। पहले ये कि ठीक है ना, इसके स्नो लेपर्ड को हिफाजत करना चाहिए, ले आप खुद सोचो कि आप खुद बोलो कि भाई क्या तुम, आपको ऐसे अगर ये नुकसान हुआ तो आप क्या करेंगे? जब मुझसे मत पूछो, आप क्या कहेंगे? स्नो लेपर्ड के लिए पॉपुलेशन के लिए रिटेलिएटरी किलिंग जो है ये सबसे बड़ा थ्रेट है। Gibran Haider from Gilgit's wildlife office has a plan to stop it. ये सब सोच के इसके बाद एक फैसला हुआ कि हम इनकी कंपनसेशन, लाइफ स्टॉक कंपनसेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो भी लोग मार्सक कंजर्वेशन में इनरोल हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे। अगर नो लेपर्ड कोई जानवर कोई इनका जाया करता है तो इसका एक हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया कि हम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया कि रिपोर्टिंग होगी उसकी कंपनसेशन बनेगी। इससे पहले भी स्मॉल माइक्रो इंश्योरेंस स्कीमें यहाँ पे मुख्तलिफ वैलीज में एनजीओस में इंट्रोड्यूस किए हुए थे, लेकिन वो छोटे थे, उनका हुजम छोटा था, पैसा कम था, तो लोगों को इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो लोग इतने ज़्यादा उससे सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद फिर हमने सर जोड़ा कि हमने कहा कि ये परमानेंट कोई इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। हमने इसके लिए सेंट्रल एंडाउमेंट फंड एक इस्टेब्लिश किया है, 15-20 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंडाउमेंट फंड। सीड मनी बैंक में ही रहेगी, जो इससे इंटरेस्ट आएगा उससे हम लोगों की कंपनसेशन पे करेंगे, तो ये एक साइकिल बना रहेगा। मेरे 25 भेड़ बकरी थे, कोई 8 खुश गए थे, ये उनके साथ मेहनत किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चों को संभाला तो ये बढ़ गया। एक वक्त में मेरा अपना 130 की 140 हो गया था 2016 में। उसी एक साल में ना उसने बस कुल देखो ना 1 83 माल खाया, 1 45 माल खाया, कुछ गाय मेरा खाया, मुंह पर खून लगा था। मुड़ के जनाब मेरे तरफ वो अपना मुंह को साफ करते हैं और ऐसे लगते हैं कि वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर। जो हमारे कोराल्स बने हुए हैं चरवाहों के, ये पुराने आउटडेटेड पुराने ज़माने के हैं, वो ओपन होते हैं ज़्यादातर। स्नो लेपर्ड अरछलांग ला के अंदर आता है तो सारे जानवर उनके मार देता है। ये मेरे मौशखाना है, पहले जाली नहीं था, अभी जाली लगा हुआ, पहले ऊपर से घुसता था। तो हमने प्रेडेटर प्रूफ कोराल्स बनवाए हैं कम्युनिटीज के लिए। ये देखे ना इसके ऊपर
जाली शाली भी लगाई हुई है, तो मतलब इस पे इंटर नहीं हो सकता है कोई भी स्नो लेपर्ड हो, कोई भी हो, छलांग लगा के। साथ इसके शेड बना हुआ है। अगर ये डिज़ाइन हम मजीद कम्युनिटीज़ में ले जाएँ तो मेरे ख्याल में ये जो लाइव स्टॉक पे अटैक्स हैं ये बहुत कम होंगे किसी हद तक। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो अगर ये हर्डर्स नहीं लेंगे, इनकी हम अब ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे फील्ड में, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो ये अटैक्स भी ज़्यादा होंगे। वो पहला इस सेट पे सोने के लिए था तो इसको मैंने वो किया, क्योंकि ये खिड़की जो था माल के ये इसके मवाशखाने की तरफ नहीं था, आवाज़ नहीं आता था। अभी उधर से उठाया, इधर लगाया ताकि अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आवाज़ इधर आ जाए। इनके अपने जानवर खुले आज़ाद नहीं छोड़ने चाहिए, रात को टाइमली इनको वापस बंद कर लें और कोराल में आ जाएं तो मेरे ख्याल में इनका नुकसान कम हो सकता है। सुबह उठ के इसको चेक करते हैं मौजखाना को, कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। ये देखो ये स्लो लेपर ने इसको हमला किया था। कमज़ोर है उनको हरा के करीब रखते हैं, जो तगड़े हैं उनको आगे ले जाते हैं। इसके अलावा हमारे बाप दादा के दौर में हर शेपर्ड अपने साथ एक डॉग रखता था, अब शेपर्ड डॉग्स रखना कम कर दिया लोगों ने। शेपर्ड डॉग एक तो ये है कि अपने मालिक को शेपर्ड को अलर्ट करता था, दूसरा ये है कि जो आगे प्रेडेटर आता था उसको भी ये चैलेंज देता था, तो इस तरह भी ये किलिंग्स कम होती थी। स्नो लेपर्ड इतने जानवर नहीं मारता है जितने ये जानवर बीमारी की वजह से मरते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक लॉस था। हम इनके इलाकों में आके वैक्सीनेशन करते हैं, इसके दो फायदे होते हैं, एक तो ये है कि जो फार्मर है उसका जानवर बीमारी से मरता नहीं है, दूसरा ये है कि इन केस अगर कोई वायरल डिजीज़ है, एपिडेमिक डिजीज़ है, कहीं वो फैलने का उसका ख़तरा होता है, फ्रॉम लाइव स्टॉक टू द वाइल्ड वैक्सीनेशन हेल्पफुल होती है। अभी हम इस वक्त स्नो लेपर्ड के मस्कन के अंदर हैं, यहाँ हमें हो सकते हैं कि स्क्रैच का निशान उसके निशानात मिलें, जिसमें स्केट्स हैं, जिसमें उसकी जो फिसेस हैं, और हो सकते हैं यहाँ कहीं शिकार किया हो उसने, यहाँ पर उसने अंट किया हुआ है, और इसको उसने पूरा खाया है। देखिए जी, ये स्नो लेपर्ड का स्क्रैच है, अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो इसके गिर्द आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। ये फॉक्स का स्केट है, ये हो सकता है कि ये लिंक्स का हो, इसमें स्टोन मार्टन का भी फीसिस हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें उसके साथ चलते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये इतने चीज़ों को भी खुराक देते हैं। The balance of predator and prey seemed totally disturbed. When Hussein Ali Khan scaled these mountains 25 years ago, locals believed wildlife competed with livestock and poaching was out of control. 6-6 7-7 din humne nalu mein lagaya, hame koi shikar nahi mila. Us nala se phir dusre nale ki taraf gaya. Jab dekha ki ek banda usne सात बड़े नर मारा, फिर हमें एहसास हो गया कि इनका तहफ़ुज़ करने की जरूरत है और हम अकेले भी क्या कर सकते हैं। फिर हुकूमत पाकिस्तान के जो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारे साथ मिलकर पब्लिक के साथ और हर गांव में हर जगहों में जो है ना, उन्होंने खवातीन से लेकर बच्चों से लेकर कहीं बंदूक का आवाज आ गया, देखो किसने फायरिंग किया, कहाँ किया। To try to stop illegal hunting, the Gilgit region started selling hunting permits worth thousands of dollars to trophy hunters targeting the ibex, the snow leopard's natural prey. 80% of the money was earmarked for community development.
1995 में जब ये कंजर्वेशन का टूल जो इंट्रोड्यूस हुआ ट्रॉफी हंटिंग का, इसके बाद फिर कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन हुई, कम्युनिटीज में पैसा आया, हंटर्स आए, कम्युनिटीज को अवेयर किया गया कि ये हमारे नेचर का हिस्सा हैं, इनकी ना होने की वजह से हमारे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ये इकोनॉमिक इंसेंटिव इनको मिला तो उसके बाद कम्युनिटीज एक्टिवेट भी हो गई और एक्सेप्टेंस आ गया वाइल्ड लाइफ का, और उनको पता चल गया कि यार ये इनके ज़रिए हम अपनी मौशी हालत भी बेहतर बना सकते हैं। ये कुदरत का एक तोहफा है, एक कुदरत की खूबसूरती है, इनका यहाँ होना लाजमी है। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिला और वहाँ दूर कितने जो दूर से आते हैं एक अंटर, वो कितने आदमी इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसे मिलते, पोर्टर को मिलते हैं, दुकानदार को मिलते हैं, गाड़ी वाले को मिलते हैं, होटल वाले को मिलते हैं, गेस्ट हाउस वाले को मिलते हैं, गाइड को मिलते हैं, स्किनर को मिलते हैं, और ये बहुत सारे उसके साथ पैसे वह भाजते हैं। तो इस वक्त हमारे केवियों में जो है ना आईबेक्स की जो ब्रीडिंग रेट है वो 30 लाख रुपये। पब्लिक इसको बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं, हमारे साथ तआवुन करते हैं। The Marg horse fetch an even higher price of 100,000 per head, earning $4.3 million for Pakistan's local communities in 25 years. As a result, Marg horse numbers in Gilgit Baltistan doubled to 2,800. And Ibex herds grew to 5,000 animals. The rebound of the Ibex and Marhor herds also helps snow leopards. Each big cat needs a population of 150 to 200 ungulates in its territory to survive. And with more wild prey available, they won't be forced to kill domestic livestock. कंजर्वेशन जो हुआ ना, इसमें जनाब लोगों का जहन छे, मैंने आपको पहले नहीं बोला कि गांव में किसी की तालीम के लिए कोई पैसा ज़रूरत हो, बीमारी होता है, कम्यूनिटी ने हर एक को कार्ड बनाया, चाहे वो बेवा है। लोगों का मोहब्बत हुआ है जानवरों से, चाहे वो मारखोर है, चाहे स्लो लेपर। इवन आफ्टर ऑल हिज लॉसेस, मीर ज़मान इज नाउ एट पीस विद स्नो लेपर्ड्स। नहीं, मैं उस चीता को मारता, मुझे बोलो आप, चीता का मैं वो मेरा माल वापस आता नहीं आता ना। बस खुदा, जो खुदा पे अगर बंदा ट्रस्ट करे ना, खुदा देता है। जनाब उस वक्त ऐसा था कि मेरे बच्चे पढ़ते थे, अच्छा उनकी फीस, घर के खर्चा, इस चीज़ से उठाता था। अब ये मेरे बच्चे जनाब यूएसए में तनख्वाहदार है वहाँ पे, और ये बेटा इधर अपना रोज़गार चलाता है, तो मैं रिलैक्स हूँ। स्नो लेपर्ड का मैं आपको एक अच्छा एक ब्राइट साइड के बारे में बताऊंगा कि ट्रॉफी हंटिंग से भी ज़्यादा आजकल जो इस एरिया में स्नो लेपर्ड की साइटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया, वाइल्ड लाइफ की साइटिंग, बर्डिंग, लोग आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, स्पेन से आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से आ रहे हैं। मरीको सवादा has traveled 6,300 kilometers to get a glimpse of the elusive cat. Snow leopard, my dream. I started to come for the snow leopard several years back to Pakistan. I tried several times. And she is in the right hands to spot them. Since I met him, I had a really wonderful time in here in Pakistan. Especially the last year in April, I am here in the same timing. The snow was there and snow started to melt. All the animals are here. That time we had great sighting.
That's why I'm here again in the same time. It's warm. I'm really surprised. I was preparing fully warm clothes because it was not like this before. I was expecting snow leopard activity and those are like ibex on the snow, so there's no snow, but they are here. बर्फ में ही रहने वाला बर्फ का ही जानवर है तो जब गर्मी लगते हैं तो वो फिर अपने जिस शेडो में या गार में रहते हैं तो वो वहाँ से फिर निकलते नहीं हैं और रात को ही निकलता है, रात को ही सुबह सूरज से पहले वो जो है ना एकदम उसके अंदर चले जाते हैं, फिर उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम छोटे थे तो उस वक्त ज्यादा बर्फबारी होते थे, बहुत सारे जगहों में ग्लेशियरों से हमें गुजरना पड़ता था क्योंकि हम बकरियों के साथ जाते थे। अब वो ग्लेशियर खिसकते खिसकते पीछे की तरफ गया हुआ है, बहुत नजदीक था। उन गर्मियों में कभी कभार ऐसे बारिश होते हैं कि वो लोगों की रैलियां आने लगते और कहीं देखो कभी बारिश ही नहीं हुआ, वहां पर दरख्ते भी सूख गए हैं और घास तो भी सूख गए, अब समझ से बाहर हो। No one knows exactly how many snow leopards are left. But climate change is certain to reduce their habitat by a third, making them even more vulnerable. Between 4,000 to 6,500 snow leopards still roam the roof of the world. An estimated 200 to 400 individuals prowl through northern Pakistan. In a world in turmoil, nature still reveals its beauty for those with patience and perseverance. Mariko and Hussein are finally rewarded with a glimpse of the world's most elusive cat. He is the one brought my best sighting for the snow leopard. His experience and, for me, it's the spotting power is something else. It's something spiritual for me. एक और ग्रुप ने आना है, ये मैसेज देंगे कि हाँ हमने स्नो लेपर्ड देखा है, तो ताकि वो भी आ जाए। तो हमें भी खुशी होता है कि हम कोशिश करें कि इनको स्नो लेपर्ड दिखाए, जिससे ये भी खुश हो और हमारे पाकिस्तान में उसकी इनकम आता है, हमें देते हैं, गाड़ी वालों को देते हैं, बाजार में सामान खरीदते हैं, होटल में रहते हैं, तो ये सारा चीज बेनिफिट जो है ना हमें एक ग्रुप से मिलता है। अपने बच्चों के फ्यूचर हमने जितना तक पढ़ाना था पढ़ाया हूँ और अभी जो मेरे बच्चे मेरे पीछे ये बचाने के लिए इसको तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं। ये इसकी बाल देखो, बाल भी है, वो हवा हिला रहे हैं हल्का हल्का इसको, और ये काले काले जो उसकी सेंट मार्किंग है इधर। ये जितने भी तकलीफदा जरूर हो, जब यहाँ हम नहीं आते हैं तो दिल खुश नहीं होता है। इसके यहाँ नेचर जो है, इसके खूबसूरत पहाड़, हमारे गिर स्नो पार्टी स्नो कोक्स की आवाज़ आते हैं, इधर गोल्डन मरमूत आवाज़ें विस्लिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ये चिड़िया यहाँ पर आवाज़ें निकालते हैं, तो ये नेचर का हिस्सा है। और यहाँ इतना शोर नहीं, क्राउड नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स, कुदरत की खूबसूरती का नज़ारा है, वो हमें हमारे दिल बाग बाग। गिलगित बल्तिस्तान बायोडाइवर्सिटी हब है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स वाइल्ड लाइफ मिलेगी, ब्लू शीप, आईबेक्स, देन स्नो लेपर्ड,
ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, मार्को पोलो शीप, मतलब एक फुल कंप्लीट पैकेज है गिलगित बल्तिस्तान। न सिर्फ ये एंगुलेट्स और मेमल्स का, बर्ड्स का भी एक हब है। ऑलमोस्ट 360 बर्ड स्पीशीज अब तक यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मैं जितनी एफर्ट कर सकूँ मैं करूँगा इसमें कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को एक सेफ हेवन, एक सेफ प्लेस दे दें, एक सेफ हैबिटेट दे दें।